हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह का हमारा नाश्ता हो चुका है, तो सबका खाना पीना हो चुका है, आप घर का सारा काम करेंगे। तो आज बनाएंगे हम बथुए का रायता, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए थोड़ी देर में रायता बनाते हैं। नाश्ता हो चुका है, मेरे बेटे ने देखो आधा खाना खाया। किसका बेटा पूरा खाना खाता है कमेंट में बताना। मेरा बेटा आधा खाना खाता है। फोन हमने नाश्ता कर लिया है, मम्मा ने भी कर लिया नाश्ता और मैंने भी खा लिया है, मैंने भी कर लिया नाश्ता। और दीपिका चली गई अंदर, उसने नाश्ता नहीं किया है, वो पढ़ने चली गई है। और यहाँ पे देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सिवन, किसका फोन आया? किसका फोन आया? देखना, बुढ़ी नानी का फोन ले रखा उसे, उसे बहुत पसंद है छोटा सा फोन। उसके लिए तो रोने लग जाता है बहुत तेज तेज। सब बुढ़ी नानी का देना। मैं बना रही हूँ टेस्टी, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बथुए का रायता। तो वो मैं किस तरह बनाती हूँ आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए गैस, इसकी तैयारी करते हैं। तो यह बथुआ, तो बथुआ हमने साफ कर लिया था, तो मैं इसे अच्छे से दो तीन पानी में धो लूँगी। तो मैंने टप ले लिया, टप में खुले बर्तन में धोऊँगी, अच्छे से धुल जाएगा। छोटे बर्तन में अच्छे से मिट्टी नहीं जाती है, तो मैं हमेशा इस टप में ही अपनी हरी सब्जियाँ धोती हूँ। आज हवा इतनी तेज चल रही है कि मेरा पर्दा देखो गेट का ऐसे उठ रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया, फिर से बारिश हुई थी सुबह। तो ये गैस मैंने अच्छे से दो तीन पानी से धो दिया, साफ करके पूरी मिट्टी निकाल दिया। अब मैं इसको बॉयल करने रखूँगी। तो गैस की रोज़ इसी तरह सफाई की जाती है, पूरे ये चीज़ हटा के सारे, क्योंकि चाय वगैरह गिर जाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, काफ़ी ख़राब लगता है। तो हम सारी ये चीज़ें निकाल के अब गैस की सफाई करते हैं और डेली करते हैं। तो मैं पतीली में पानी ले लिया है और तो इसे मैं कर दूंगी बॉयल। तो गैस मैं ये बथुआ उबालूंगी, ये रायते के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आधी आधा बथुआ बचा के या भुजिया बना लूँगी या इसकी रोटियाँ बना लूँगी, आटे में गूंद लूँगी या रोटियाँ बना लूँगी। तो इसे एक साथ उबाल लेती हूँ। तो बथुआ अच्छे से हमारा उबल चुका है, हम मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी, प्लेट में निकाल लूँगी। रोटी खिला रहा है अपने बच्चे में। तो दही को मैं पहले अच्छे से फेंट लूँगी। दही मैंने फेंट लिए, अब बनाते हैं। मैंने जो मैंने मेरे मसाले लिए थे रायता का मसाला, ये मैं मिक्सी जार इसको थोड़ा पीस लूँगी, क्योंकि मैंने जीरा भून लिया है और लौंग डालूँगी तो इसका अच्छे से पाउडर बन जाएगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको पीस लूँगी, इसका पाउडर बना दूँगी। तो ये मैंने बना लिया है रायते का मसाला, ये इसको आप बूंदी के रायते में कोई भी रायता बनाए उसमें डालें, इसका लाजवाब टेस्ट होता है। तो ये मैंने पीस लिया है, अब इसको मैं कटोरी में डाल दूंगी। तो ये हमारा मसाला रायते का मसाला, चटपटा बहुत ही स्वादिष्ट मसाला, आप इसे रायते में ज़रूर डालें। कोई भी आप रायता बनाए उसमें ये यूज कर सकते हैं और आप ज़्यादा मसाला भी बना सकते हैं। मैं उसी जार में अब बथुआ पीस लूँगी।
तो ये मैंने पीस लिया है, अब इसे कटोरी में ट्रांसफर कर लूँगी। तो अब रायता बनाएंगे। रायते में मैं ले रही हूँ बथुआ, डेढ़ सौ में ले लिया मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स। साथ में जो मिक्सी जार में रह गया था उसका, उसमें मैंने पानी डाला है तो उसे भी डाल दूंगी। कुछ तो ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं होता रहता, तो पतला ना गाढ़ा। अब इसका हम एक तड़का तैयार करेंगे, क्योंकि बिना तड़के के तो रायता अच्छा लगता ही नहीं है। आशीर्वाद कर रहा है शैतानी ना है, उसको नलाया तो कपड़े पहना रही उसकी मम्मी। तब इसमें अच्छे से तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए चाहिए मुझे करी पत्ता, जो कि मैंने छत में है तो मैं लेके आती हूँ। सूख गए सर्दी में, पता नहीं खराब से हो गए, तो छत में से ले आती हूँ मैं करी पत्ता। मीठा नीम भी बोलते हैं उसे। तो कपड़ों की चौकीदारी कर रही है मम्मी, कपड़े धोए। कड़ी पत्ता लेती हूँ, कड़ी पत्ता गायब हो गया, टमाटर ने ढका दिया। कड़ी पत्ता ले रही हूँ, कड़ी पत्ता, कड़ी ये तो है, सूख गया वो, सूख गया नीचे का। हाँ मैं थोड़ा सा चाहिए, रायते में तड़का लगा रही हूँ। तो इतना काफी है। तड़के के लिए लिया मैंने करछी अपनी तड़के वाली, तो आप घी से भी छौंका लगा सकते हो। मैं सरसों के तेल से लगा रही हूँ। तेल हो चुका है मेरा गर्म, मैं गैस के फ्लेम बंद कर रही हूँ गैस, क्योंकि ज़्यादा तेल गर्म हो चुका है मेरा, तो मेरा तड़का जले ना इसलिए। तो मैंने डाल दिया जीरा, आपको डाल दिया हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। देखो तेल इतना गर्म हो चुका है कि मेरे को गैस का फ्लेम बंद करना पड़ा। तो जब तेल गर्म हो जाए अच्छे से तो गैस का फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि तड़का जल जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। और साथ में डाल दूंगी मैं हरा धनिया। हमारा तड़का तैयार, आप डाल देंगे इसको रायते में। कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। डाल देंगे तो हमने मसाला बनाया था, जो हमने मसाला बनाया था थोड़ा मसाला डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार। तो मसाला डाल दिया है, तो आप थोड़ा सा इसमें जो हम सादा नमक खाते हैं ना वो डाल देंगे। तो ये नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, कई लोग ज़्यादा खाते हैं, इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये बन गया हमारा रायता। तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तड़के में, मैंने लाल मिर्च साबुत नहीं डाली। तो बन गया हमारा रायता, स्पेशल वाला रायता। इस तरह से आप रायता ज़रूर बनाना, रायता काफ़ी टेस्टी, काफ़ी बढ़िया होता है। रोटी के साथ खाओ चाहे चावल के साथ खाओ, रायते का जो स्वाद है ना इस मसाले से आता है। ये मसाला आप जरूर बना के रखना, और कोई भी रायता बनाए, बूंदी का बनाए, कोई भी रायता बनाए उसमें ज़रूर डालें और रायते का मज़ा लें। ये
इस रायते की एक खास बात यह है कि अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप इसमें हल्का सा चीनी का जो बूरा होता है वो भी डाल सकते हैं आधा चम्मच, तो इसका जो है बहुत टेस्टी स्वाद हो जाएगा। तो गैस आज जो मैं रायते में मसाले डाल रही हूँ उसका मैं बताना भूल गई, तो रायते में मैंने मसाले जो डाले थे जो मैंने पीसा था जार में वो था साबुत जीरा जो मैंने भून दिया था, और 4-5 लौंग थी, काला नमक था, काली मिर्च का पाउडर था और लाल मिर्ची का पाउडर था। तो इनको पीस लेना मिक्सी में और इनका पाउडर बना के रख देना। जब भी आप रायता बनाएं तो ये मसाला आप रायते में डालें और रायते का आनंद लें। तो ये थी मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले रेसिपी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सीता राम जय, राधे राधे राधे।